करे जा, अभी पूरी जानकारी तो चाहिए। बाप बाप ये करेगा, अभी सुन दो जा, बात चल रही। दोस्तों अभी हमारे पास जो स्नेक रेस्क्यू का कॉल आया है वो आया है बुआड़ा गांव से, हमारे रेजिडेंस से लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास शायद वो पड़ता होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सांप खतरे में है या इंसान खतरे में है, वहीं चल के पता चलेगा। दोस्तों प्रवीण पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी अभी जिस स्थान से कॉल आई थी उस जगह हम आ चुके हैं। और किस भाई ने कॉल किया था? इस भाई ने कॉल की थी, बताओ कहाँ है सांप? सांप अंदर है इस कमरे में। इस कमरे में दिखाओ भाई, कैमरा मैन से दिखाओ, इसको ताला लग रहा है। हाँ ये ठीक क्या? दोस्तों देखो यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, सांप अंदर है तो बारह ताला लगा दे, और इससे काफी इसका ध्यान रख रहे हैं कि कहीं इधर उधर ना भग जाए, क्योंकि अगर इधर उधर भग गया तो किसी और के मकान में अंदर घुस जाता। कितना अच्छा क्या? देखो दोस्तों ये सांप को बचाने में और अपने आप को बचाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो पैरे पे खड़े हैं, जब तक मैं नहीं आया तब तक देखो कहीं छतों पे खड़े हैं, ये देख रहे हैं कि कहीं इधर उधर भाग ना जा। देखो कितने बहादुर लोग हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा ही करिएगा, आपको और सांप को बचाने में हमारी सहायता कीजिएगा। इस कोने में बैठा, इस कोने में ज्यादा खाने बैठने की, इस कोने में इधर इधर दिखाओ, इसमें नहीं है ये रहा, जो हम ऊपर से देख रहे हैं उसके नीचे ही है। तो इसके नीचे क्या चीज है? इसके नीचे ही है। इसके नीचे है क्या चीज? कुछ नहीं है, जो चिनाई हो रही होगी लाठी में गड्ढे बन के स्लैब के रखी है। अभी मूली का आटा खत्म ना, उस कोने में आई है, यहीं पे। हां इसी कोने में। पर लगा के गिरा को आ रहे नहीं, पर को भाग रहे हो। देखो यहां देख, ईंट लगा दो ईंट यहां खड़ी कर देंगे ना, गलतियां तो मौत ये काल से। ये तो काफी बड़ा है, इनका छोटा ही था, छोटा ना है, सांप बड़ा बड़ा है, हैं ये काफी बड़ा अरे पकड़ो तो पैसा, अरे पैसा पकड़ो तो सही। लवे से पकड़ो मोबाइल, किसका मोबाइल पकड़ो फटाफट जल्दी में। हमने इसको कब जाना, इशारा छोड़ियो, अभी इशारा छोड़ियो, अंदर घुस जाएगा नहीं पहले तो रोक। ये तो कुछ अलग इसी हिसाब का भाई, छोड़ दो भाई, दोस्तों मैं पकड़ लिया, छोड़ दो, चलो बाहर चलो, देख क्या गिर गया, घबरा रहे हैं भाई, ना भाई मार लूंगा तो कैसे दो। दोस्तों ये बोल रहे थे घोड़ा पछाड़ है, घोड़ा पछाड़ नहीं है और अलग ही नस्ल का है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जब इसको हम रिलीज करेंगे तब दूंगा। ये काफी काटता है, काफी गुस्से में है, वो
और कई बार ऐसा है कि धोखा खा जाते हैं घोड़ा बाजार समझ गए साथ चढ़ गए लोग देखो देख कितने भयभीत हो रहे हैं तो ठीक है दोस्तों ज्यादा लोग इसको देखकर भयभीत हो रहे हैं इसको इसमें अपने बैग को बंद करते हैं दोस्तों रात को सांप को पकड़ने में काफी खतरा महसूस होता है बहुत ध्यान से इनको पकड़ना पड़ता है पता नहीं कहाँ चल जाए क्योंकि हमने आपको और सांप को बचाने का जो बीड़ा उठाया उसको हम पूरा करेंगे तो ठीक है दोस्तों इसको हम बैग में डालते हैं चलो भाई महाराज बैग में चलिएगा जी देखना देख लो अभी बारी है अभी बारी है देखना देख लो फटाफट फिर निकलना अंदर निकल चलो देखो सेफ्टी बुला कर उसे सेफ्टी नहीं हाँ इतना खड़ा था इतना था ये बारे इतना मिंटू डाल दो अभी चलो जा चलो भाई चलो महाराज इसमें चलो मैं राख ले जा रही थी इंगित मैंने कहा ये काजू कहिए ये बालकों को बोले ये सांप है का ये उठी ना दोस्तों यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आपको और सांप को बचाने में हमें याद किया बहुत अच्छे लोग हैं इन माँ जी का बहुत बड़ा सहयोग है इन्होंने इसकी पहचान भी करी और ध्यान रखा काम गया जहाँ ये चलेगा वहीं इन्होंने इसका ताला लगा दिया इसका मकान का जिसे कहीं भाग ना पाए कई बार ऐसा होता है कि हम सांप पकड़ने के लिए जाते हैं और घंटों मशक्कत के बाद भी हमें सांप वहाँ दिखाई नहीं देता तो हमें वापस ऐसे आना पड़ता है तो अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है पकड़ो भाई इसको मोहम्मद जी बस बंद कर लो नमस्कार दोस्तों प्रवीण पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो दोस्तों मैंने रात को बुआड़ा गाँव से जो सांप को रेस्क्यू किया है अभी यहाँ पर मैं उसको रिलीज करने के लिए लेकर आया हूँ ये बियाबान जंगल है दोस्तों यहाँ पर इनकी खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो जाती है तो यहाँ पर इनको हम छोड़ देते हैं तो जैसे मैंने वहाँ रात को रेस्क्यू किया है दोस्तों रात को रेस्क्यू करने में सांप को बड़ी समस्या पैदा होती है एक तो लाइट की दिक्कत होती है और एक ये होता है कि काफ़ी लोग इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं पता नहीं किसको क्या दिक्कत आ जाए तो हम सही तरह से उसकी वहाँ पर जानकारी भी नहीं दे पाते तो जिस समय में इनको छोड़ने के लिए आते हैं तब आपको जानकारी देते हैं तो ठीक है दोस्तों अभी मैं इसको देखता हूँ दिखाता हूँ आपको किस तरह का सांप है दोस्तों ये वो सांप है जिसको हमने वहाँ से रेस्क्यू किया है गांव बुआड़ा गांव से तो देखिए मैं आपको बता दूँ कौन सी नस्ल का सांप है दोस्तों इसका नाम है पानी वाला सांप इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेकर्ड किल बैक चेकर्ड किल बैक इसने किसको बोलते हैं दोस्तों और ये बिना जहर वाला सांप होता है इसमें किसी तरह कोई जहर नहीं पाया जाता ये ज़्यादातर पानी में रहता है मिंडक छिपकली मिंडक और मच्छी वगैरह इसका भोजन होते हैं तो वहाँ पर ये जैसे आया उन लोगों की बड़ी हिम्मत है दोस्तों कि ये उसके यहाँ घर में घुस गया उन्होंने बाहर से ताल लगा दिया और तुरंत मुझे फ़ोन कर दिया तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा ही करना कहीं पर भी आपको ये जीव खतरे में दिखाई दे या आप खतरे में दिखाई दो तो तुरंत आप मुझे या मेरे जैसे और भी सेवक हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं सांप को और आपको बचाने में तो आप उनको कॉल करें अपने आप खुद इनको छेड़ने का रिस्क ना लें अन्यथा
आपको दिक्कत आ सकती है, काट सकते हैं, कई कई बार जहरीला सांप होता है तो दिक्कत आ सकती है आपको। और ये जो सांप है इसकी जो बार बार काटने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा है, ये बार बार काटने की कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने के लिए। और इसके काटने से व्यक्ति मरता नहीं, केवल अगर काट लेता है तो उसका सेप्टिक का खतरा होता है बस। देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए, इस पर जो है इसके ऊपर जो निशान है वो हल्के से ग्रीन और ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर वाइट किसके निशान हैं, ब्लैक और ग्रीन के, ये देख लीजिए हल्के हल्के पीले भी हैं। कई बार इसको जो है लोग घोड़ा पछाड़ समझ लेते हैं। रात मैंने इसको जब रेस्क्यू किया वहाँ से तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि शायद घोड़ा पछाड़ है, तो उसमें सही जानकारी नहीं दे पाया। तो अब देखिए दोस्तों, कोई भी सांप आपको डस ले, कोई भी जहर हो या ना हो आपको तो मालूम नहीं, आप तुरंत जितना जल्दी हो सके दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, किसी झाड़ फूंक जादू टोने के चक्कर में ना पड़े। हमारे भारत देश में बहुत सारी मौतें होती हैं जो जादू टोने और झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको सांप को बचाना। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।